What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. लाल मांस बना रहा हूँ आज, राजस्थानी स्पेशल डिश है ये, और आज दिन तक मैंने IFL पर बनाई नहीं है, तो सोचा आज इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूँ। आप संडे को फिर बनाकर ये मटन की रेसिपी खा सकते हो, बहुत ही डिलिशियस बनती है और वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मटन रेसिपीज है, जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ईजिली बन जाती है और बहुत ही ब्यूटिफुल टेस्ट आता है इसका। लाल मांस कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 1 किलो मटन ले लीजिए, पीस आप अपने हिसाब से जो आपके पसंद के वो ले सकते हैं। फिर इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालकर अच्छे से अभी इसे मिक्स करना है। आपको मटन को जो है वो मैरिनेट कर लेना है। एक बार आपने इसे मिक्स कर लिया हो तो आप इसे डायरेक्टली अभी भी कुक कर सकते हैं या इसे आप ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फर्दर कुक कर सकते हैं। तो मटन को तो मैंने मैरिनेट कर लिया है अभी, आज तो मैं अभी डायरेक्टली इसे बनाने वाला हूँ, पर आपके पास अगर टाइम है रात को बना रहे हो तो सुबह मैरिनेट कर लो, या अगले दिन लंच में बना रहे हो तो रात को मटन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दो और फिर अगले दिन बनाओ, ज़्यादा टेंडर बनता है, जल्दी से पक जाता है, बेटर रिजल्ट्स आते हैं मैरिनेट करने से। अब लाल मांस का एक जो इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है इसकी मथानिया लाल मिर्च। अब ये जो लाल मिर्च है काफ़ी अलग होती है, मेरे पास यहाँ पर एक बोल है यहाँ पर जो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब ये जो मिर्च है, मथानिया एक रीजन है जो जोधपुर के बहुत पास है, वहाँ पर ये उगती है, और बिकॉज उसके जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो एरिया के, ये मिर्च में एक बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है, कलर आता है, और इसमें जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो दूसरी चिली से काफ़ी अलग है। तो ये मथानिया चिली जो है वो यूज़ की जाती है, और जो बेस है इस लाल मांस का वो ये मथानिया चिली है। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा, फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग आएगा, जो इसका स्पाइसीनेस है वो भी कुछ अलग ही लगती है। मैंने यही रेसिपी कश्मीरी मिर्च यूज़ करके भी एक बार ट्रायल करके देखी हुई है और रिज़ल्ट काफ़ी अलग आता है। लेकिन फिर भी आप दूसरी मिर्ची यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये नहीं मिलती है तो, पर आजकल ऑनलाइन काफ़ी इजीली मिल जाती है, मैंने भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, और ये ज़रूर ऑर्डर कीजिए तो आपको असली मज़ा पता चलेगा लाल मांस का। अब ये मिर्ची को यूज़ कैसे करना है, इसकी पेस्ट कैसे बनानी है और आगे लाल मांस बनाना कैसे वो देख लेते हैं। अब इस मिर्च को आपको डीसीड करना है, तो इस तरीके से मिर्ची को काट लीजिए, मैं ऐसे ही डीसीड करता हूँ, बहुत आसान हो जाता है डीसीड करना। एक बार आपने बीज निकाल लिए हैं तो इसे अभी आपको सोक करना है, तो गर्म पानी ऐड कीजिए, गर्म पानी ऐड करके सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आपकी मिर्ची जो है कुछ इस तरीके दिखेगी। अब इन मिर्चियों को आपको पीस लेना है, बिना ये वाले पानी यूज़ किए भिगोई हुई मिर्चियों को एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कीजिए, हल्का सा फ्रेश पानी डालिए और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो मिर्च को मैंने अच्छे से पीस लिया है, एकदम ब्राइट रेड कलर आ गया है और हमारी मिर्च की पेस्ट रेडी हो गई है। अब मटन को कुक करने के लिए एक बड़ी सी हांडी ले लीजिए, उसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करना है, सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तेल की झांस को हमें ख़त्म करना है, इसकी जो पंजेंसी है उसको ख़त्म करना है, तो तेल को आपको अच्छे से हाई फ्लेम पर जला लेना है जब तक कि इसमें से धुएँ आना नहीं शुरू हो जाते। तो आप देख सकते हो तेल में से धुएँ आना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए और हल्का सा ठंडा होने दीजिए तेल को। हल्का सा टेम्परेचर जब कम हो जाए तेल का, गैस को फिर से चालू कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी, 6 से 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और 350 ग्राम स्लाइस किए हुए यहाँ पर प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और स्टर करते करते आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इन प्याज को भून लेना है। एक बार आपके प्याज जो है 5 से 6 मिनट तक आपने भून लिए हैं, उस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करनी है। इसको फिर से स्टर करना है और जब तक कि आपके जो प्याज हैं अभी लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक इसे फर्दर कुक कर लीजिए, तब तक आपके जो अदरक और लहसुन है वो भी अच्छे से भून जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अदरक और लहसुन की पेस्ट भी जो है अच्छे से भून चुकी है। इस स्टेज पर इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो मटन है वो ऐड कर दीजिए। अब मटन को इनिशियली आपको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर करते कुक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फ्लेम पर इनिशियली कुक करेंगे तो क्या है, मटन के जो जूसेस है वो काफ़ी इंटैक्ट रह जाते हैं और मटन अच्छे से गलता है बाद में। 10 मिनट तक इसी तरीके से एक बार आपने हाई फ्लेम पर कुक कर लिया हो तब इसके अंदर आपको जो लाल मिर्च की हमारी पेस्ट है वो पूरी ऐड कर देनी है। पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसे आपको ढक देना है और फ्लेम को लो कर देना है, और ढक कर लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक आपको इसे पकाना है। एक आध बार आप मटन को बीच में स्टर कर सकते हैं कि मटन जो है वो नीचे तले पर लग नहीं जाए। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैंने मटन को ढक कर लो फ्लेम पर पका लिया है। इस स्टेज पर 150 ग्राम दही लेना है,
अब इसके अंदर एक टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टेबलस्पून जीरे का पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और एक चुटकी भर नमक डालकर अच्छे से इसको फेंट लेना है। आपके दही के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, अच्छे से फेंट लीजिए। अब इस मसाले वाले दही को मटन के अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से स्टर कर लेना है। एक बार आपने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है तो फ्लेम को हाई कर दीजिए और हाई पर ही बस 5-6 मिनट के लिए आपको इस मटन को अभी हाई फ्लेम पर कुक करना है फिर से। तो बस स्टर करते हुए इस तरीके से 5-6 मिनट के लिए मटन को कुक कर लीजिए। 5-6 मिनट के बाद इसको फिर से ढक दीजिए और ढककर फ्लेम को अभी एकदम लो कर लेना है। अब ढके हुए ही आपको मटन को तब तक पकाना है जब तक कि मटन जो है आपका अच्छे से गल नहीं जाता है। अब मटन को मैंने ढककर पकने रख दिया है, मेजर आपका जो प्रोसेस है तामझाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको मटन को गलाना है। डिपेंडिंग कि आपका मटन की क्वालिटी जो है वो कैसी है उसके ऊपर आप डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है मटन को पकने में। यूजुअली जो मटन मैं लेके आता हूँ वो 1-1.5 घंटे में अच्छे से गल जाता है। तो बस इसी तरीके से ढके रहने दीजिए, एकदम फ्लेम को लो रखिए और बीच बीच में ढक्कन खोलकर स्टर कर दीजिए। बहुत एकदम फटाफट नहीं खोलना है, 15-20 मिनट के इंटरवल्स होने चाहिए। 15-20 मिनट हो गए, ढक्कन खोला, हल्का सा स्टर किया। कई भी स्टेज पर आपको ऐसे लगता है कि आपका जो मटन है उसका जो मसाला है वो काफ़ी सूख चुका है तो आप हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत वैसे बहुत कम पड़ती है, बहुत थोड़ा सा ही पानी इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। बस 1-1.5 घंटा आपने मटन को अच्छे से अगर पका लिया है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। मटन को चेक कर लेते हैं कि कैसे पका। आप देख सकते हो जो मटन की रंगत है एकदम चेंज हो गई है, कलर थोड़ा डार्क हो चुका है, तेल अच्छे से छूट चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। आप देख सकते हो मटन भी जो है हमारा अच्छे से एकदम गल चुका है। अब यहाँ पर नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक अगर कम है तो थोड़ा नमक और इसमें ऐड कर सकते हो और अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। और आप देख सकते हो लाल मांस रेडी हो गया है, लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। तो लाल मांस तो बहुत ही डिलिशियस बना है और माइंड ब्लोइंग बना है। अगर आप एक मटन लवर हैं और आपने पहले लाल मांस नहीं चखा है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अलग फ्लेवर लगता है जो आपके नॉर्मल प्याज टमाटर या दूसरे मसालों वाली जो ग्रेवी होती है उसके कंपैरिजन में ये बहुत अलग बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस लाल मास रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।